ट्वेंटी वर्ल्ड कप अब इंडिया के पास है और इसी को देखने के बाद पूरे विश्व में हर तरफ सेलिब्रेशन का माहौल है। मैं मुंबई के चेंबूर इलाके में हूँ और आप देखिए कि ये जो लोग हैं कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इन्हीं में आपको जो दिखाई दे रहे हैं वो सूर्य कुमार यादव के कोच अशोक असवलकर सर भी यहाँ मौजूद हैं साथ में। सर आपके विद्यार्थी सूर्य कुमार यादव का जो आखिरी जो कैच था, कैच ऑफ द मैच, उसने पूरे मैच को घुमा दिया क्योंकि वो कैच ऐसा था कि वर्ल्ड कप हमारे हाथ में रहेगा कि जाएगा। वो एक कैच ने बता दिया कि वर्ल्ड कप कहाँ जाने वाला है और वो कैच भी ऐसा आदमी ने लिया जो मेरा फेवरेट स्टूडेंट है सूर्य कुमार यादव। उससे बड़ी मोमेंट मेरे लिए मेरा लाइफ में कुछ भी नहीं है कि वो बच्चे ने मेरे को वर्ल्ड कप जिता के दिया इंडिया को। सुना मैं पहले आपको लगा कि वो सिक्स है, बाद में आउट पता चला, फिर आप लोग एक जगह पे ही बैठ गए। यस, गाड़ी में बैठे थे हम लोग, वहाँ पे पूरा छह बॉल होने तक हम लोग गाड़ी में ही थे। बोला कोई जगह से हिलेगा नहीं जब तक पूरा ओवर खत्म नहीं हो जाएगा। ये क्या लॉजिक है? ये लॉजिक है हमारा क्रिकेट खेलने वाले सबको मालूम है कि अगर क्रूशियल मोमेंट है तो कोई भी बच्चा अपने जगह से हिलेगा नहीं। जब तक मैच का छह बॉल डालना है या लास्ट रन बनता नहीं है तब तक सब लोग अपना जगह पे रहेंगे। कुछ भी हो जाए हिलेंगे नहीं वहां से। ये हमारा क्रिकेट का फील्ड का एक नियम है, अनोखा नियम। सूर्य देखिए लोग भी हैं उनसे भी जरा बात करेंगे। कल का मैच इंडिया की तरफ था, इंडिया जीत गई। मैच कभी क्लियर नहीं रहा, मतलब एंड तक कभी उनके खेमे में कभी हमारे खेमे में। क्या कैसी उस वक्त मैच देखते वक्त क्या फीलिंग थी? फीलिंग यही हो रही थी कि इंडिया जीतेगा क्योंकि सूर्य कुमार यादव पे हमें भरोसा था सब पे, मतलब जो कैच ले रहा जाएगा तो हम पता लग गया था कि ले लेंगे कैच। सांसें अटकी हुई थी पूरी इंडिया टीम जो है कल पूरी एक साथ होकर खेल रही थी। जैसे कि पूरा टूर्नामेंट ये चला है उसमें हमने यही देखा है कि जितने जो भी प्लेयर को रोल दिया गया है वो सबका रोल बिल्कुल क्लियर है और सब लोग एक साथ मिलकर एज ए टीम परफॉर्म कर रहे थे, इसके लिए हम लोग जीते। सांसें अटकी हुई थी कल कि क्या होगा, मतलब कल को पहले जो बॉल टू बॉल रन आ गया था। बिल्कुल, बॉल टू बॉल आ गया था, उसके बाद बुमराह और अपना बुमराह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की जिसने दो रन चार रन ऐसे निकाले लास्ट के ओवरों में जो एक क्रूशियल था हमारे लिए, तो बहुत अच्छा लगा देख के मैच और बहुत बढ़िया रहा। मतलब कल का मैच एक्चुअल में टाइट मैच था, किसी एक तरफ नहीं था, नहीं दोनों तरफ था। ऐसे लग रहा था कि कभी साउथ अफ्रीका 50-50 जा रहा है, कभी साउथ अफ्रीका कभी इंडिया, लेकिन लास्ट हार्दिक पांड्या ने भी अच्छा बॉलिंग करा और हमारे और जो कैच था क्रूशियल कैच था वो पकड़ के हमारे जीत दिलाया। कितनी प्रेशर में आप खुद थे, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप खुद खेल रहे हैं मैच? बिल्कुल बिल्कुल प्रेशर में तो बिल्कुल थे, और जितना पूरा वर्ल्ड कप हुआ है स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट से लेके लास्ट मैच तक मैंने एक बॉल भी नहीं छोड़ा है। रात के 2 बजे है या 3 बजे है, मैच को छोड़ा नहीं है और मैच को देखा। और कल जो बॉलिंग किया है ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 फास्टर बॉलर ने किया है, स्पिनर का दिन अच्छा नहीं रहा, लेकिन जो टूर्नामेंट हुआ है हम स्पिनर की वजह से आए थे। जैसे कुलदीप यादव जो अपना यूएसए लीग में नहीं था लेकिन जैसे वेस्ट इंडीज में आया बेस्ट, वो बेस्ट मोमेंट था वो कि उसने आकर 2 विकेट देन 3 और 2 विकेट लिए, तो 15 में से 15 प्लेयर ने अच्छा खेला है, इसकी वजह से वर्ल्ड कप का ट्रॉफी हमारे हाथ में आज। नॉट ए इंडिविजुअल परफॉर्मर, टीम परफॉर्मेंस था। बड़ी बात थी कि सबको मालूम था अपना रोल और सब लोग अपना रोल निभा रहे थे फील्ड में, उसका रिजल्ट वो था कल का। सर आप सूर्या के कोच हैं, अभी फिलहाल सूर्या के पास कई बड़े बड़े कोच होंगे, लेकिन क्या अब भी आप मैच देखते वक्त आपको लगता है कि कहीं वो गड़बड़ कर रहा है तो उसे कुछ सलाह देते हैं? इस वर्ल्ड कप में कोई उनको टिप इमीडिएट सलाह जाता है उसको व्हाट्सएप पे कि बाबा सूर्या ये नहीं होना है, ये करना है, ऐसा जाना है वैसा जाना है, और उसका रिजल्ट मुझे ताबड़तोब आ जाता है कि हाँ सर करके। यस, तो इस वर्ल्ड कप में क्या टिप दी थी? उस वर्ल्ड कप में तो एक तो साउथ अफ्रीका यूएसए में जो मैच चल रहे थे तो विकेट बराबर खेल नहीं रहा था, तो उस वक्त उसमें मैंने मेरे मैसेज में डाल दिया था कि सूर्या विकेट तेरा हिसाब से नहीं खेल रहे हैं, तो उसको विकेट को अडॉप्ट करके तुझे खेलना पड़ेगा। उधर तू अगर 20 बॉल 20 भी रन बना लेता है तो भी टीम के लिए वो काम करेंगे, तो तेरे को खेलना पड़ेगा। और वो इनिंग उसने मुझे 49 बॉल 53 या 50 रन जो बना के दिखाया वो मेरे लिए सबसे बेस्ट मोमेंट था, क्योंकि जो मुझे चाहिए था वो विकेट पे बैटिंग वो उसने करके बताया, वो भी सूर्या से अलग बैटिंग था। मतलब उस विकेट के बारे में आपने कैसे ये अंदाजा लगाया, क्या पहले मैच देख रहे थे? मैच सब देख रहा था तो उधर मालूम पड़ रहा था कि विकेट क्या जाने, कभी कभी एक्सेस स्पीड में बॉल निकल रहा था
कभी बॉल जमीन पकड़ के जा रहा था, अनप्रेडिक्टेबल विकेट था पूरा। और वो विकेट पे बैटिंग करना मतलब तुमको एकदम ऊपर का लेवल का बैटिंग करना है। एक तो मेरे को मुझे मेरा विकेट भी बचाने का है, सूर्या का नाम से बाजू में जाके बैटिंग करना है, क्योंकि दिमाग में हर टाइम सूर्या है कि सूर्या क्या बैटिंग करता है। लेकिन वो छोड़ के जब मैं बैटिंग करता हूँ, बॉल टू बॉल जब मैच खेलता हूँ, वो अलग लेवल हो जाता है। तो आपने सुना इस पूरे वर्ल्ड कप में सूर्य कुमार यादव के कोच हमारे साथ थे, जिन्होंने बताया कि सूर्य को उन्होंने टिप भी दी और साथ ही उन्होंने अपना अनुभव भी बताया कि कैसे इस पूरे मैच के दौरान सांसें अटकी पड़ी थी, लेकिन विश्व कप अब भारत का है और इसकी खुशियां चारों तरफ है। मैं एक बार और दिखाऊंगा, चीयर करते लोग मैदान में है और बस चीयर ही कर रहे हैं। आप छोटे प्लेयर को भी देख सकते हैं यहाँ पर, बस खुशियां हैं, बैट बॉल लेकर मैदान में है। और जब सेलिब्रेशन की बात आती है तो सबसे आगे दिखाई देते हैं। कैमरा पर्सन गजानन के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज, मुंबई।